बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बरसात का मौसम आते ही खंभों के तारों में करंट उतरने लगे, लेकिन बिजली विभाग इससे बिल्कुल मूक दर्शक बना बैठा है। लगातार कहीं न कहीं करंट की चपेट में मवेशी या इंसान आ रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग की कोई सूद नहीं ले रहा। बेगमगंज वार्ड में कल एक खंभे के नीचे करंट उतरने से एक मवेशी की जान चली गई। इसकी सूचना विभाग को दी गई तो काफी देर बाद विद्युत कर्मी आए। मामला नाका विद्युत खंड का है। जेई से बात करने की कोशिश की गई तो जेई रंजित कुमार फोन नहीं उठाते। बेगमगंज वार्ड में जगह जगह तार लटके हुए हैं, जो कहीं न कहीं खतरे के निशान पर है। जहां एक ओर बारिश का मौसम है तो वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि मुरारी सिंह यादव ने बताया कि बिजली विभाग लगातार लापरवाही कर रहा है। सूचना देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करता, जिससे लगातार कोई न कोई घटना हो रही है, लेकिन जेई के कान में जू नहीं रही और कोई न कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। जेई रंजित कुमार पर मोहल्ले के निवासियों ने आरोप लगाया कि खंभा बदलवाने के नाम पर वो धन की उगाही करना चाह रहे हैं, जबकि खंभे का काम विद्युत विभाग की जिम्मेदारी है। जेई पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि खंभे के नाम पर पैसा मांग रहे हैं। वही मोहल्ले वासियों में आक्रोश देखने को मिला। तो बोलो सुनवाई नहीं भाई, बोलो आप जो ने पाते नहीं वापस घर। कई बार गिन गया, पूरा एक महीना बीत गया। क्या कह रहे हैं? जे एक पास जाओ तो जे कहिए कि जो है कि 15-20 हज़ार रुपया लाओ, तब जो है खंभा गड़े। कौन बात का पैसा मांग रहे हैं? हम लोग पैसा मजूर दरा लो। कौन बात का पैसा मांग रहे हैं? खंभा गड़वा रहे थे। तार कब से गिरा है? अरे तार भाई हुआ महीना डेढ़ महीना से। कहा जाते कोई सुनवाई ना आएगा। जब वोट लिए करा रहे तब कहिए कि खंभा लगवा दिया जाए। जब जीत जाइए कोनो सुनवाई ना होगा। पानी भर जाते करंट उतरा करा थे, जैसे बरसी अब वैसे उतरे। दुकान में भी आओ तो देखो बगल में मकान बताए भैया कि नहीं जान भाई भाई मतलब दुकान में करंट आ रहा है। ये कल से आ रहा है, बरसात हुई है कल से आ रहा है। अभी तक इससे कोई दुर्घटना हुई है? किसी की मौत हो गई क्या? एक बार दो बार की दूसरी बार हो चुकी है।